नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जातीय जनगणना को लेकर जारी हुई अधिसूचना। ऑपरेशन बसेरा के तहत सरकार इन लोगों को देगी जमीन। ऑनलाइन मिलेगी सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की जानकारी। बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने खोले अपने राज। इंदौर टेस्ट में हार के कगार पर टीम इंडिया, लायन ने लिए 8 विकेट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएफ ने 1348 पदों पर निकाली भर्ती प्रक्रिया। सीमा सुरक्षा बल ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के कुल मिलाकर 1348 पदों पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं पास और ITI पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के आधिकारिक वेबसाइट BSF.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार BSF के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। जातीय जनगणना को लेकर जारी हुई अधिसूचना। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से हो रही है, जो कि 15 मई तक चलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जातीय गणना के पहले चरण का कार्य 21 जनवरी तक पूरा कर लिया गया था। मालूम हो कि दूसरे चरण का कार्य मोबाइल ऐप, गणना प्रपत्रों और पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में पूछे जाने वाले सवालों में नाम, आयु, पिता, पति का नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम, शैक्षणिक योग्यता समेत कई सवाल शामिल होंगे। इसके साथ ही इन सवालों के साथ परिवार के प्रधान को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि उनके द्वारा जो भी जानकारी परिवार को लेकर दी गई है वह बिल्कुल सत्य है और इसमें किसी सदस्य की गणना अन्यत्र नहीं कराई गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी व संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक थे। उन्होंने 2010 में पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। इसके पूर्व 1994 में भी उन्होंने पद्मश्री नहीं स्वीकारी थी। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। वे थोड़े से कवियों में रहे हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आई। इनका अपना अलग आकर्षण है। संस्कृत कविताओं के प्रथम संकलन काकली के प्रकाशन के बाद तो इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाने लगा। तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे हमले को लेकर वहां की पुलिस ने दिया जवाब। तमिलनाडु में बिहारियों की हो रही पिटाई को लेकर इन दिनों बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टियों की ओर से जमकर हंगामा किया जा रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर तमिलनाडु पुलिस के द्वारा जवाब दिया गया है। बता दें कि बिहार के DGP और तमिलनाडु के DGP के बीच बातचीत की गई है और प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें तमिलनाडु की पुलिस के द्वारा यह कहा गया है कि उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषी लोगों पर हमले को लेकर पोस्ट बिना तथ्यों की पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि यह भ्रामक तथा अफवाह है। प्रसारित किए जा रहे एक वीडियो में तमिलनाडु के त्रिपुरा में बिहार और झारखंड के श्रमिक के बीच का है, तो वही दूसरा वीडियो कोयम्बटूर के स्थानीय निवासियों के बीच विवाद की घटना है। राज्य में सभी हिंदी भाषी सुरक्षित हैं। यहां सभी के मान सम्मान और जीवन की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। बिहार की बबीता गुप्ता को मिलेगा राष्ट्रपति से पुरस्कार। आगामी 4 मार्च को यानी कि कल विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बिहार के मुजफ्फरपुर की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति के द्वारा सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि बबीता गुप्ता को यह पुरस्कार प्लास्टिक कचरे से सजावटी सामग्री बनाकर खुद की जीविका चलाने के साथ दूसरी महिलाओं को भी राह दिखाने के लिए दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बबीता स्वयं सहायता समूह यानी कि जीविका की सदस्य है और उनका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में किया गया है, जो स्वच्छता तथा पेयजल के विभिन्न श्रेणियों के लिए होती है। जानकारी के लिए बता दें कि सुजल शक्ति सम्मान 2023 समारोह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर की जा रही है। मालूम हो कि बबीता के समूह की ओर से निर्मित उत्पाद को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित विश्व शौचालय दिवस 2022 राजगीर महोत्सव और समाधान यात्रा में भी प्रदर्शनी के तौर पर लगाया गया था।
बिहार विधानसभा के चौथे दिन भी हुआ हंगामा। बीते दिन बिहार विधानसभा के चौथे दिन भी सदन के अंदर के साथ साथ सदन के बाहर भी बीजेपी के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। एक तरफ जहां सदन के बाहर हंगामा करते हुए विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी के द्वारा सातवें चरण के शिक्षक बहाली, रोजगार के मुद्दे, बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक को लेकर महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा गया, तो वही दूसरी ओर सदन के अंदर भाजपा सदस्यों के द्वारा प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा किया जाने लगा और फिर वॉकआउट करते हुए। इसके अलावा बीते दिन सदन के अंदर भाकपा माले के द्वारा भी बीजेपी नेता संजय सरावगी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस विधायकों के द्वारा भी कार्यवाही शुरू होने से पहले केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा परिसर में हंगामा किया गया। छठे चरण में टीचर बहाली को लेकर काउंसलिंग की डेट हुई जारी। अगर आप भी उनमें आते हैं जो टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार राज्य के प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचरों के रूप में छठे चरण में टीचर बहाली को लेकर लास्ट स्टेज यानी कि काउंसलिंग की डेट जारी कर दी गई है। बता दें कि जारी की गई डेट के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया 17 से 20 मार्च के बीच शुरू हो जाएगी। इसके बाद जिन भी अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा उन्हें 25 से 28 मार्च के बीच नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। हालांकि यह कवायद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही की जाएगी। मालूम हो कि 17 और 18 मार्च को होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा 6 से 8 और कक्षा 1 से 5 तक के लिए काउंसलिंग की जाएगी। वहीं 20 मार्च को होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया प्रखंड मुख्यालय पर पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए की जाएगी। ऑपरेशन बसेरा के तहत सरकार इन लोगों को देगी जमीन। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के द्वारा सदन में दिए गए जवाब के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा इस साल ऑपरेशन बसेरा के तहत बिहार के उन सभी लोगों को रहने लायक जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी जो भूमिहीन है। मालूम हो कि इस योजना के तहत सरकार के द्वारा लोगों के रहने के लिए एक कॉलोनी बसाकर रोशनी सहित अन्य व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि इसके अंतर्गत बिहार के भूमिहीन लोगों को 3 और 5 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ इस बात का भी आकलन होगा कि पर्चा वालों को दखल मिला है या नहीं। बता दें कि सभी बातें आलोक मेहता के द्वारा प्रोफेसर नवल किशोर यादव के तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा गया। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के बारे में। पटना में स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी अरबी, फारसी, उर्दू, पांडु लिपियों और मुगल राजपूत, तुर्की, ईरानी और मध्य एशियाई स्कूल के दुर्लभ चित्रों के प्रमुख भंडारों में से एक है। लाइब्रेरी लैन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ईमेल सुविधाओं से लैस है। माँ भारती के एक महानतम पुत्र खुदा बख्श के द्वारा 1891 में इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। 1869 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। जुलाई 1970 से यह भारत सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड के शासन के तहत स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। इसके समृद्ध संग्रह में मौजूद अमूल्य पांडु लिपियों, दुर्लभ मुद्रित पुस्तकों और मुगल राजपूत, तुर्की, ईरानी और मध्य एशियाई स्कूल के मूल चित्रों के कारण यह पुस्तकालय दुनिया भर में ख्याति लब्ध है। यह एक उत्कृष्ट शोध पुस्तकालय के रूप में उभरा है जहां बड़ी संख्या में दुर्लभ पांडु लिपियां मौजूद है जिनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध हुई है। गलवान शहीद के पिता को मुचलके पर मिली जमानत। गलवान शहीद के पिता राज कपूर सिंह को बीते दिन कोर्ट ने 10,000 के मुचलके से जमानत दे दी है। बता दें कि उन्हें यह जमानत एडीजे 3 नवीन कुमार ठाकुर की अदालत के द्वारा दी गई है। इस मामले को लेकर शहीद जवान के पिता के एडवोकेट जयप्रकाश मोहन सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते दिन बहस के दौरान कोर्ट के द्वारा यह माना गया कि अगर कोई आवेदन सीओ को दिया जाता है और थाना पर प्रेषित किया जाता है तो थाना के द्वारा उसकी जांच करानी चाहिए थी। अगर कोई मामला था तो विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि बिना जांच के प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यह एफआईआर बिना जांच के दर्ज किया गया था, उसी को मानते हुए न्यायालय ने जमानत स्वीकृत किया है। होली से पहले बिहार में हजारों लीटर शराब बरामद। बिहार में शराब बंदी है, ऐसे में शराब माफियाओं के द्वारा होली को देखते हुए लगातार शराब की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि ताजा मामला छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के निकुंभ सेमरी गांव का है, जहां थाना पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए मोबाइल के गैलन में 1,000 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है और साथ ही मौके से एक मारुति कार और बाइक भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। हालांकि इस दौरान तस्कर अजय सिंह को गड्ढे में धक्का मार कर फरार होने में सफल हो गए। वहीं मिली जानकारी के अनुसार जब्त की गई मारुति कार और बाइक रोहित कुमार सिंह के नाम पर निबंधित है। फिलहाल अभी पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल कर यह पता किया जा रहा है कि शराब कहां से लाई गई थी और कौन कौन इसमें संलिप्त हैं।
दरभंगा का हवाई टिकट महंगा होने पर संजय झा का बयान। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री सह उड्डयन मंत्री संजय झा के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट पर हवाई टिकट महंगा होने को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक बिहार सरकार के द्वारा इस जमीन की उपलब्धि 342 करोड़ रुपए खर्च करके कराई गई है, जिसमें टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाना है। बिहार सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई टैक्स भी नहीं लिया जा रहा है। इसके बावजूद यहाँ की हवाई टिकट इतनी महंगी है, इसलिए भारत सरकार से मांग है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ान स्कीम के तहत कम दर पर लोगों को टिकट उपलब्ध करवाया जाए, जिससे लोग आसानी से बिना किसी परेशानी के सफर कर सके। क्योंकि अगर टिकट की कीमत इतनी महंगी होगी तो क्या हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई सफर कर पाएंगे। नगर क्षेत्र के किसी भी जमीन को अपनी मर्जी से लीज पर नहीं दे सकेंगे नगर निकाय। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के द्वारा सभी नगर निकायों को पत्र जारी कर यह जानकारी दी है कि अब नगर निकाय अपनी मर्जी के अनुसार नगर क्षेत्र में स्थित जमीन को लीज पर नहीं दे सकते हैं। यानी कि अब किसी भी जमीन को किराया या लीज पर देने से पहले नगर निकाय को सरकार से अनुमति लेनी होगी। बता दें कि जारी किए गए पत्र में नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 104 के प्रावधानों का हवाला देकर कहा गया है कि नगर पालिका के अधीनस्थ किसी संपत्ति को भाड़ा, किराया, आवंटन अथवा लीज पर देने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना नगर निकाय के लिए अनिवार्य है। वही विभाग के द्वारा जारी की गई इस पत्र के बाद पटना नगर निगम की कई परियोजनाएं फंस गई है, जिनमें 30 जगहों पर निर्माण की जाने वाली वेंडिंग जोन और 220 करोड़ की लागत से निर्माण की जाने वाली मॉल शामिल है। राज्य में 13 औद्योगिक इकाइयों को 9.48 एकड़ जमीन का आवंटन। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में नए उद्योग की शुरुआत करने के लिए उद्योग विभाग की ओर से राज्य के 13 औद्योगिक इकाइयों को 4.98 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है। बता दें कि यह निर्णय उद्योग विभाग के प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस कमेटी की बैठक में नए उद्यमियों की ओर से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के बाद लिया गया है। बता दें कि वर्तमान में जिन 13 औद्योगिक इकाइयों को भूमि का आवंटन किया गया है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित विभिन्न जिले शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार इन औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक व रबर सहित अन्य उद्योग को शुरू किए जाएंगे। राज्य इन उद्योगों के शुरू होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों को रोजगार मुहैया हो सकेगा। बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने खोले अपने राज। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा हाल ही में अरबाज खान के चैट शो द इनविंसिबल्स विद अरबाज खान में अपनी खुद से जुड़ी कुछ बातों का खुलासा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कभी उनके कॉलेज के फॉर्म पर साइन नहीं किया। इतना ही नहीं, वह कहते थे कि ये एक्टिंग की ट्रेनिंग क्या होती है, क्या बनना है, जोकर बनोगे। उन्होंने कहा कि वह अपने लुक को लेकर काफी एम्बेरसमेंट फील करते थे। उन्हें लगता था कि वह ऐसी शक्ल के साथ फिल्मों में अपनी जगह कैसे बनाएंगे, लेकिन मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर प्लस पॉइंट था। मैं सबकी मिमिक्री करता था, इसलिए मेरी डिमांड बढ़ती थी। ऑनलाइन मिलेगी सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की जानकारी। अब सामान्य प्रशासन विभाग की सभी 28 प्रशाखाओं, उनके कार्यों और कर्मियों की जानकारी एक कंपोडियम में मिलेगी। इसके साथ ही जो भी जानकारियां इस कंपोडियम में समाहित होगी वह जानकारी विभाग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो जाएगी, जिसके बाद इन सभी जानकारी को किसी के भी द्वारा देखा जा सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि विप्रेस के पदाधिकारियों की सिविल लिस्ट में सभी पदाधिकारियों से संबंधित सभी जानकारी जैसे ईमेल, फोन नंबर समेत तमाम चीजें शामिल होंगी। मालूम हो कि 2010 में दो खंडों में सामान्य प्रशासन विभाग का पिछला प्रपत्र संग्रह प्रकाशित किया गया था। इस बार इसके बाद के वर्षों से अब तक जितने भी महत्वपूर्ण विभागीय आदेश समेत अन्य सभी अधिसूचना जारी की गई है, जिसका समावेश इसी में किया गया है। बता दें कि इसकी सॉफ्ट कॉपी भी वेबसाइट पर मौजूद है। साइकिल से विधानसभा पहुंचे तेज प्रताप यादव। बीते दिन बिहार विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव विधानसभा साइकिल से पहुंचे। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव साइकिल पर नजर आए हैं। इससे पहले भी वह अपने कार्यालय साइकिल से जा चुके हैं। वहीं बीते दिन साइकिल से विधानसभा पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनका साइकिल से यहां आने का पीछे का मकसद यह है कि उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के भी विधायकों से कहते हैं कि वे लोग भी साइकिल का इस्तेमाल करें, इससे पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो हमें साइकिल की सवारी ही करनी चाहिए और साइकिल की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके।
सुधाकर सिंह ने बताया तेजस्वी कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, वहीं अब एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर अपनी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बीच में नीतीश कुमार ही बाधा बने हुए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि बिहार की कमान तेजस्वी के हाथों में जा सके। इसके साथ ही उन्होंने संजय सरावगी के द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संजय सरावगी का बयान बिहार विधानसभा के इतिहास में सबसे घटिया बयान रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मुझे पता नहीं था कि जो 4 से 5 बार विधायक बन चुके हैं वह इस तरह का बयान दे सकते हैं। जदयू पार्टी के 36 से भी अधिक नेताओं ने थामा कुशवाहा के पार्टी का हाथ। इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा जेडीयू के पूर्व नेता उपेंद्र कुशवाहा द्वारा की जा रही है। गुरुवार को इस यात्रा के तहत उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी पहुंचे। सीतामढ़ी में उन्होंने बिहार के महागठबंधन की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में बिहार में 2005 वाले स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी बात बताई कि वे बिहार का भ्रमण इसी मकसद से कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ा झटका नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को कुशवाहा ने दिया है। दरअसल 3 दर्जन से भी अधिक नेताओं ने जदयू की पार्टी छोड़ती है और कुशवाहा के पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है, जिनमें रेखा गुप्ता और राम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा सहित कई नेता भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी का खिला कमल। पूर्वोत्तर के 3 राज्य में हुए चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। 3 राज्य में से 2 राज्यों में बीजेपी सरकार बनती दिख रही है। त्रिपुरा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने में सफल रही है। यहां बीजेपी 33, लेफ्ट 14, त्रिपुरा को 13 सीट मिली है। तो वहीं नागालैंड में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती दिख रही है। बीजेपी को 38, एनपीएफ को 2, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, एनपीपी को 2, अन्य को 16 सीट मिली है। तो वहीं मेघालय में सीएम कोनराडा संगमा की एनपीपी 27 सीटों के सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां भी सत्ता के साझेदार हो सकती है। सरकार बनाने पर मंथन चल रहा है। यहां एनपीपी को 27, बीजेपी को 2, टीएमसी को 5, अन्य के खाते में 25 सीटें आती दिख रही है। इंदौर टेस्ट में हार के कगार पर टीम इंडिया, लायन ने लिया 8 विकेट। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से पकड़ बना ली है। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लायन ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि भारतीय बल्लेबाज एक एक कर उसमें फंसते चले गए। लायन ने 8 भारतीय बल्लेबाजों का शिकार किया और इस तरह भारत की दूसरी पारी सिर्फ 163 रनों पर सिमट गई। चेतेश्वर पुजारा को छोड़ दे तो कोई भी भारतीय बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाए। पुजारा ने 142 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर तेज तर्रार 26 रन बनाकर आउट हुए। अब तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 76 रनों की जरूरत है और उनके 10 विकेट शेष है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 197 रनों पर समाप्त हुई थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारतीय मुगल बादशाह अकबर ने 1575 में बंगाली सेना को तुकड़ोई की लड़ाई में पराजित किया। राजा राव नंदलाल मंडलोई ने 1716 में इंदौर शहर की स्थापना की। महात्मा गांधी जी ने 1939 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में सम्पन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की थी। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का 1839 में जन्म हुआ था। कारगिल युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने के लिए 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित राइफल मैन संजय कुमार जी का 1976 में जन्म हुआ। मुगल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब का 1707 में अहमदनगर में निधन हुआ था। भारत के राजनेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष GMC बाला योगी जी का 2002 में आंध्र प्रदेश में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पालघर में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हुई जरूरी नहीं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक ट्वीट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने हाल के बजट में स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर का प्रस्ताव किया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। ट्वीट के साथ संलग्न पत्र वर्ष 2011 का है और इसे गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है।
फेसबुक फोटो और वीडियो को गूगल फोटोज पर ऐसे करें सुरक्षित। अगर आप भी अपने फेसबुक फोटो और वीडियोस को गूगल फोटोज में सुरक्षित करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करें। अब ऊपरी दाएं कोने से प्रोफाइल आइकन पर टैप करें और सेटिंग्स और प्राइवेसी पर जाएं। इसके बाद सेटिंग्स पर जाएं और प्राइवेसी चुनें। अब योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन बटन को टैप करें। इसके बाद आपको व्यू के पास के ट्रांसफर अ कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन बटन पर टैप करना होगा। अब आप गूगल फोटोज विकल्प का चयन करें। इसके बाद उस पेज पर सेलेक्ट व्हाट टू ट्रांसफर विकल्प पर क्लिक करें और अपने कंटेंट का चयन करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब कनेक्ट के तहत कनेक्ट विद गूगल फोटोज पर क्लिक करें और अपने गूगल अकाउंट की जानकारी के साथ लॉग इन करें। गूगल डॉक्स को फेसबुक से कनेक्ट करने के लिए अब अपने गूगल क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके साइन इन करें। कनेक्ट होने के बाद स्टार्ट ट्रांसफर लिंक फेसबुक पर दिखाई देगा। अब सब कुछ सेट करने के बाद स्टार्ट ट्रांसफर बटन दबाएं और अपना फेसबुक पासवर्ड दर्ज करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पंचम वर्मा, विपिन वर्मा, पुरुषोत्तम कुमार, मृत्युंजय कुमार, पंकज कुमार दास, मोहम्मद सकीर हुसैन, संजीव, उमेश ऋषिदेव, नन्नू गोलू कुमार, कन्हैया कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, महमूद अंसारी, अनवर करीम खान, सैलजा कुशवाहा, रमन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार से लोगों का पलायन रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।